हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुमार सिंह। आज मैं आपको एक फाइनेंस सेक्टर की बिगेस्ट मल्टीवेयर स्टॉक बताऊंगा, जिसमें आप लोग भाई पैसा लगा सकते हो। अभी ये बहुत छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है, तो भैया माइक्रो कैप कंपनी में छोटा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, 5 से 10 हज़ार रुपये लगाया जाता है। तो आप लोग इस कंपनी में 5 से 10 हज़ार रुपये लगा के छोड़ दीजिएगा, पैसा बनना होगा भाई, तो आपका बहुत बड़ा पैसा बन सकता है। आप लोग का भाई पैसा बना है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर सकते, नोटिफिकेशन चाहिए भाई तो बेल बटन भी प्रेस कर देना। सबसे पहले मैं इसका हाफ रिजल्ट देख लेता हूँ, और आप लोग भी किसी भी कंपनी में पोजिशन बनाने से पहले एक बार उसका फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता कीजिएगा, कंपनी के धंधे के बारे में पता कीजिएगा। अगर भाई उस कंपनी का धंधा अच्छा है, बिजनेस मॉडल बढ़िया है, उनकी प्रोडक्ट अच्छी है, उनकी सर्विसेज अच्छी है, तभी जाके वो कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश करती है। और भैया जब कोई कंपनी लगातार अच्छे रिजल्ट पेश करती है तो ही भाई लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है, और ऐसी ही कंपनी में आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा। तो देखो, नेट सेल टर्नओवर सितंबर 17 में था 11.04 था, सितंबर 17 में 11.04 था, और सितंबर 19 में देख लो भाई 32.98 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका नेट सेल टर्नओवर है, हाफ ईयरली 11 से 32 हो चुका है। टोटल इनकम देख लो भाई, टोटल इनकम में इसका शानदार है, हाफ ईयरली सितंबर 17 में टोटल इनकम था वो 11.04 था सितंबर 17 में, और सितंबर 19 में देख लो 33.95 हो चुका है। तो भैया मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम हाफ ईयरली बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो भाई, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है, हाफ ईयरली सितंबर 17 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 6.03 था सितंबर 17 में, और सितंबर 19 में देख लो 23.06 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, हाफ ईयरली 6 से 23 हो चुका है भाई। एबिटा देख लो, एबिटा भी इसका शानदार है, हाफ ईयरली सितंबर 17 में जो एबिटा था वो 6.03 था सितंबर 17 में, और सितंबर 19 में देख लो 24.02 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका एबिटा है, हाफ ईयरली 6 से 24 हो चुका है। तो भैया मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा हाफ ईयरली बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, मैं जितनी तारीख ऑफ एंड वो कम ही होगा, आप लोग खुद अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एबिटा है। प्रॉफिट एंड लॉस को देख लो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर में इसका शानदार है, हाफ ईयरली सितंबर 17 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर था वो 1.38 था सितंबर 17 में, और सितंबर 19 में देख लो 10.65 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर है, हाफ ईयरली 1 से 10 हो चुका है। रिपोर्टेड पार्ट देख लो भाई, रिपोर्टेड पार्ट भी इसका शानदार है, हाफ ईयरली सितंबर 17 में जो पार्ट था वो 1.38 था सितंबर 17 में, और सितंबर 19 में देख लो 10.65 हो चुका है। तो भैया मुझे इसका हाफ ईयरली रिजल्ट बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, मैं जितनी तारीख ऑफ एंड वो कम ही होगा, आप लोगों ने खुद देखा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ईयर टू रिजल्ट देख लेता हूँ, पहले आप हाफ ईयरली रिजल्ट देख रहे थे भाई, तो देखो नेट सेल्स मार्च 15 में था वो 15.24 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 46.87 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका नेट सेल टर्नओवर है, ईयर टू ईयर वाइज 15 से 46 हो चुका है, और किसी भी ईयर में कम भी नहीं रहा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है भाई, पॉजिटिव बात होती है। टोटल इनकम देख लो, टोटल इनकम भी इसका शानदार है, ईयर टू ईयर वाइज मार्च 15 में टोटल इनकम था वो 15.26 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 46.94 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका टोटल इनकम है, ईयर टू ईयर वाइज 15 से 46 हो चुका है, और ये भी किसी भी ईयर में कम नहीं रहा। तो भैया मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो भाई, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है, ईयर टू ईयर वाइज मार्च 15 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 10 था
मार्च 15 में और मार्च 19 में देख लो 29.73 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ईयर टू ईयर वाइज 10 से 29 हो चुका है भाई। एबिटा देख लो, एबिटा भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो एबिटा था वो 10.01 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 29.79 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका एबिटा है ईयर टू ईयर वाइज 10 से 29 हो चुका है। तो भैया मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एबिटा, ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोग इस कंपनी में पैसा लगाइएगा, 5-10 हज़ार रुपया लगा के छोड़ दीजिएगा। अभी ये माइक्रो के कंपनी है, इसलिए मैं आप लोग को छोटा इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ। और भैया छोटी कंपनी में छोटा ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जो रूल है भाई उसे फॉलो करना। प्रॉफिट एंड लॉस को देख लो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दियर भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दियर था वो 2.78 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 6.38 हो चुका है। तो देख सकते हो तो बहुत ही बढ़िया इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दियर है ईयर टू ईयर वाइज 2 से 6 हो चुका है। रिपोर्टेड पैट देख लो, रिपोर्टेड पैट भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो पैट था वो 2.78 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 6.38 हो चुका है। एनुअल ईपीएस देख लो भाई, एनुअल ईपीएस भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो एनुअल ईपीएस था वो 4.01 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 9.17 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका एनुअल ईपीएस है ईयर टू ईयर वाइज 4 से 9 हो चुका है। तो भैया मुझे इसका ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोग इस कंपनी में पैसा लगाइए, 5-10 हज़ार रुपये लगा के छोड़ दीजिए। पैसा बनना होगा भाई, तो आपका बहुत बड़ा पैसा बन सकता है, और मुझे लगता है कि इस कंपनी में आपका पैसा बनेगा। और ये एक प्योर मल्टीपल स्टॉक है, अरमान फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का। और मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ, ये एक फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है फ्रेंड। इस कंपनी पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, और भैया ये कंपनी मुझे अच्छी भी लगती है। मुझे लगता है कि ये कंपनी आपको बहुत ही तेजी से रिटर्न बना के दे सकता है। तो आप लोग इस कंपनी में पैसा लगाइएगा, 5-10 हज़ार रुपये लगा के छोड़ दीजिएगा। अभी भाई माइक्रो के कंपनी है, इसलिए मैं आप लोग को छोटा इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ। 19 तारीख को भाई जब मैं इस कंपनी वीडियो बनाया था 19 दिसंबर को, तो इस कंपनी का प्राइस 626 रुपये के आसपास था, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो मैं अपने YouTube चैनल पे जाता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो असली मल्टी बैगर के नाम से बनाया था, इसका टाइटल असली मल्टी बैगर था। यहाँ पे आप पब्लिश डेट देख सकते हो 19 दिसंबर 2019, किस प्राइस में वीडियो बनाया था वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई 626 रुपये के प्राइस से वीडियो बनाया था 19 दिसंबर 2019 को। और भैया आज के टाइम में इस कंपनी का क्या प्राइस चल रहा है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, 755 रुपये भाई प्राइस है 12 जनवरी 2020 को, और लाइफ टाइम जो है वो 790 रुपये का है। तो भैया ये स्टॉक 790 रुपये तक गया था, तो अच्छा खासा भाई रिटर्न मिल गया शॉर्ट टर्म में ही। तो आप लोग इस कंपनी में पैसा लगाइए, बढ़िया कंपनी है, लेकिन भाई अभी ये छोटी कंपनी है, तो छोटी कंपनी में छोटा ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और आप लोग खुद से भी इस कंपनी के बारे में पता कीजिए। वैसे तो मुझे ये कंपनी बहुत ही अच्छी लग रही है, आवास फाइनेंसर की तरह ये कंपनी आपको रिटर्न बना के दे सकता है, और भैया दे भी रहा है। कुछ दिन पहले भाई मैं पेड से भी स्टार्ट किया हूँ, जिनको भी पोर्टफोलियो क्रिएट करवाना है वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा भाई आपको अच्छा से अच्छा पोर्टफोलियो बना के देने का। कांटेक्ट कीजिए मुझसे, पेड सर्विस चाहिए तो। अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड अब तक किस टाइप से रिटर्न बना के दे चुका है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो देखो भाई ये कंपनी पिछले 10 सालों में बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है, वेल्थ क्रिएट करके दिया है भाई। ये छुपा हुआ मल्टीवेयर स्टॉक है, देख सकते हो 10 साल में रिटर्न है वो 6,597.43% है, जो कि फ्रेंड बहुत ही अच्छा टर्न माना जाएगा। 10 साल में सेंसेक्स का टर्न है वो 137.17% टर्न है। 3 साल में देख लो भाई, 3 साल में कंपनी बहुत ही अच्छा टर्न बना के दिया है, 326.20% टर्न है। सेंसेक्स का टर्न है 54.65% टर्न है। 1 ईयर में देख लो भाई, 1 ईयर में 86.85% टर्न है। सेंसेक्स का टर्न है 15.21% टर्न है। ईयर टू डेट में देख लो भाई,
ईयर टू डेट में 19.24% आने, सेंसो को आने 0.84% आने। तो भैया ये कंपनी जनवरी में 19% का रिटर्न बना के दे चुका है, वन मंथ में देख लो, वन मंथ में 35.91% आने, सेंसो को आने 3.38% आने, वन वीक में देख लो, वन वीक में 8.95% आने, सेंसो को आने 0.33% आने, वन डे में देख लो भाई, वन डे में 1.26% आने, सेंसो को आने 0.36% आने। तो भैया आप लोग अपने पोर्टफोलियो में अरमान फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड को जगह दे सकते हो। अभी भाई ये माइक्रो कैप कंपनी है, तो भैया माइक्रो कैप कंपनी में छोटा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, 5-10 हज़ार रुपये लगाया जाता है। तो आप लोग 5-10 रुपये लगा के छोड़ दो, पैसा बनना होगा भाई, तो आपका बहुत बड़ा पैसा बन सकता है। वैसे मैं बता दूं, ये एक प्योर मल्टीवे स्टॉक है जिसमें आपका पैसा बनेगा ही लॉन्ग टर्म में। तो पैसा लगाइएगा, 5-10 हज़ार रुपये लगा के छोड़ दीजिएगा। अरमान फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का अब मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दे रहा हूँ। तो देखो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है 27.66% होल्डिंग है, FIS के पास जो होल्डिंग है अरमान फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड में 0.06% होल्डिंग है। एक बातें बताना चाहता हूँ भाई, FIS म्यूचुअल फंड उसी कंपनी में पैसा लगाते हैं जिसका मार्केट कैप 1,000 करोड़ से ऊपर हो। 1,000 करोड़ से कम का भाई जिसका मार्केट कैप होता है उस कंपनी में FIS म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस वाले कभी भी पैसा नहीं लगाते हैं। अदर डे पर जो होल्डिंग है अरमान फाइनेंशियल में 0.02% होल्डिंग है, नॉन इस इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है अरमान फाइनेंशियल में 72.26% होल्डिंग है। कोई भी शेयर भाई अरमान फाइनेंशियल का प्लेज नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है अरमान फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड में 40.3% होल्डिंग है। वैल्यूएशन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ अरमान फाइनेंशियल का, पी रेशियो अरमान फाइनेंशियल का वो 18.88 का पी रेशियो है। प्राइस टू बुक वैल्यू है अरमान फाइनेंशियल का वो 8.45 का प्राइस टू बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड जो है भाई वो 0.12% का डिविडेंड यील्ड है। आरओसी रेटियो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया है भाई, 24.81% का है, जबकि भाई इनका फाइनेंस का बिजनेस है, 24% का आरओसी बहुत ही अच्छा माना जाता है। आरओई देख लो 27.53% का है। तो भैया मुझे इसका आरओसी आरओई बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है भाई। 1,000 करोड़ का जैसे ही भाई इसका मार्केट कैप होगा ना, इस कंपनी में FIS से पैसा लगाने आ जाएंगे, म्यूचुअल फंड वाले पैसा लगाने आ जाएंगे, ये मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। क्वालिटी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ अरमान फाइनेंशियल का, एवरेज बता रहा है भाई। सेल्स ग्रोथ देख लो 5 ईयर का 46.24% का है, जो कि फ्रेंड बहुत ही बढ़िया है। एविड ग्रोथ देख लो 5 ईयर का 48.39% का है। तो भैया मुझे इसका सेल्स ग्रोथ एविड ग्रोथ 5 ईयर का बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो भाई। यहाँ पे भी देख लो अरमान फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ने किस टाइप से रिटर्न बना के दिया है। तो देखो 10 साल में रिटर्न है वो 6,599% है, 5 साल में 673% है, 3 साल में 326% है, 1 ईयर में 86% है, ईयर टू डेट में 19% है, 1 मंथ में 35% है, 1 वीक में 8% है। तो देख सकते हो भाई कंपनी लगातार रिटर्न बना के दे रही है। तो आप लोग इस कंपनी में पैसा लगाइए। अभी ये माइक्रो के कंपनी है भैया, तो माइक्रो के कंपनी में छोटा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, कम इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो 5-10 रुपये लगा के छोड़ दो, पैसा बनना होगा भाई, तो आपका बहुत बड़ा पैसा बन सकता है। मुझे लगता है इस कंपनी में आपका पैसा बनेगा, आरओसी आरओई एविटा 5 ईयर का भाई बहुत ही बढ़िया है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ इस कंपनी में आपका पैसा बनेगा, वो भी बहुत ही तेजी से। अरमान फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का 52 वीक हाई है वो 790 रुपया, 52 वीक लो है 326 रुपया 10 पैसा। मार्केट कैप देख लो भाई, अभी ये बहुत छोटी कंपनी है, 1,000 करोड़ का भाई इसका मार्केट कैप होगा, तो इस कंपनी में FIS म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस वाले पैसा लगाने आएंगे, क्योंकि ये बढ़िया कंपनी है भाई, बिजनेस मॉडल इसका बहुत ही बढ़िया है। आप लोग इस कंपनी के बारे में पढ़िए। अरमान फाइनेंशियल का पी जो है 45.21 का पी है, इंडस्ट्री जो पी है भाई 38.67 का, तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले अरमान फैंसल का पी हाई है। बुक वैल्यू जो अरमान फैंसल का 58.06 का बुक वैल्यू है, अर्निंग पर शेयर देख लो भाई 16.62 का अर्निंग पर शेयर है। डिविडेंड यील्ड जो अरमान फैंसल का 0.19% का डिविडेंड यील्ड है, फेस वैल्यू 10 का है। तो आप लोग इस कंपनी में पैसा लगाइए। अभी ये माइक्रो कैप कंपनी है, तो माइक्रो कैप कंपनी में छोटा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, कम इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अगर फ्रेंड मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन प्रेस नहीं करो भाई, तो
तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। आप लोग क्वालिटी कंपनी में पैसा लगाएं, तभी जाके आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। धन्यवाद।